मेरा चैनल पर सभी का स्वागत और सभी को राम राम। आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताएंगे कैसे होती है। देखो ये हमारा बचा हुआ है कपड़ा है, सूट से निकला बच गया था, तो इसका हम ब्लाउज बनाएंगे। आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। हम आगे का हिस्सा कहाँ से निकाला और पीछा का कहाँ से, तो ये देखो हम सबसे पहले पीछा का निकालेंगे। इसको ऐसे फोल्ड किए ऐसे, फिर इसकी सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई कितनी रखनी है, लंबाई इसकी रखनी है मैंने 13.5 इंच, तो मैं 15 इंच लूँगी। इसको 15 इंच, यहाँ 15 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम छाती का 32 इंच छाती का है, तो उसका आधा भाग होगा 16 और 16 में चौथा भाग होगा 8 इंच, तो 8 इंच होता है। मैं 2 इंच इसमें प्लस करें तो 10 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ से, ये दस इंच इसकी चौड़ाई होगी। फिर इसका तीरा लेंगे, तीरा लेना है इसका 6 इंच पे यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। ये लंबाई का होगा और ये तीरा का। फिर इसका मुड़ डालेंगे 6.5 इंच ऐसे, यहाँ से ऐसे 1 इंच की गोलाई, ये गोलाई दे दिया। ये देखो ये ऐसे कटिंग किया हुआ है, लेकिन इसमें सिलाई लगेगी। अगर आपको डिजाइन आता है तो आप डिजाइन डाल के इसको जोड़ कर छुपा सकते हो, नहीं तो ऐसे सिलाई लगा के पीछा का जोड़ इतना दिखता नहीं। फिर हम इसका गला लेंगे 7 इंच, गला आपकी मर्जी, आप ज़्यादा बड़ा पहनना चाहो तो ज़्यादा करो, नहीं तो कम हो तो कम। यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे, पाइपिंग लगानी है तो 3 इंच और पट्टी लगानी है तो 2.5 इंच, यहाँ से हम 7 इंच तक ऐसे निशान लगाएंगे ऐसे। फिर इसकी गोलाई देंगे, ये हमारा पीछा का भाग होगा। फिर इस ये यहाँ से ऊपर से 10 इंच छोड़ के इसकी प्लेट डालते हैं यहाँ, यस, और इधर से 4 इंच, तो यहाँ से ये प्लेट का निशान होगा। अब हम इसकी कटिंग करें, देखो पहले ऐसे ग्लास कटिंग करें, ये देखो ये पीछा का भाग होगा इसके। यहाँ से आपको डिजाइन आता है तो आप डिजाइन डालना, नहीं तो इसको ऐसे सिलाई लगा देना। अभी आगा का देखो, अभी यही कपड़ा बचा है ना, अभी आगा का कहाँ से निकालें, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले एक हिस्सा यहाँ से निकालेंगे इसका, पहले आगा का एक हिस्सा निकालेंगे कि कपड़ा कम है ना, तो एक उधर से निकालेंगे एक इधर से निकालेंगे। तो मैं इसको 3 इंच की ये रेप पट्टी लगाऊंगी और 12 इंच इसकी लंबाई लूँगी, तो 15 इंच हो जाएगा, तो 12.5 इंच की सिलाई में भी जाएगा। तो इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, इसका तीरा हुई 6 इंच का, यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया और 7 इंच का इसका ना 6.5 इंच का मुंडा यहाँ तक, ये 10 इंच चौड़ाई, ये देखो ऐसे। फिर इसकी गोलाई 1 इंच की, ऐसे ये तीरा। इसका गला, आगा का गला लेना है 6 इंच, 6.5, तो 6.5 यहाँ से 3, ऐसे करेंगे ये मुंडा हो। यहाँ से हम इसका पूरे पट्टी लगाएंगे, तो इसको ऐसे
अब इसकी ऐसे कटिंग करेंगे, पहले गला की कटिंग करेंगे। ये यहाँ से इसकी ये आगा का निकल गया। अभी दूसरा हम कहाँ से निकालें, दूसरा हम इस साइड से निकालें। एक भाग एक ही होगा, एक ही है, यहाँ से निकाल ऐसे रख कर ऐसे। ये देखो ये देखो ये हमारा आगा का हुआ। यहाँ से हम ग्रेप पट्टी लगा देंगे इसकी। अब हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे। ये डिजाइन है हमारा, ये दोनों हम पट्टी में आ जाएगा, ये ऐसे पट्टी बनाएंगे इसकी जो नीचे, इसको दोनों को बराबर मिला के और यहाँ से इसको कमर के हिसाब से पूरे पट्टी कटनी है। मैंने इसको 28 है तो 1.5 इंच ज़्यादा लेना है तो ये देख 9.5 तक जाएगा, 9.5 तक इसकी पूरे पट्टी कटनी है। ऐसे यहाँ से लेना 4 इंच, 1 इंच सिलाई में जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ से लेना मैंने 3.5 इंच, यहाँ से फिर 3 इंच बीच सेंटर से इसको इस अंदर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं, फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये देखो ये हमारी पट्टी आगे की तरफ है, ऐसे आ जाएगा। ये डिजाइन भी हो जाएगा पट्टी में और ब्लाउज भी बन जाएगा। अब इसकी प्लेट डालनी, ऊपर से 10 इंच, यहाँ से 3.5 इंच, ये निशान यहाँ आएगा और ऐसे यहाँ से 4.5 इंच, इसको 2 इंच ऐसे क्रॉस में लेना, यहाँ लगाना ऐसे, और इसी का 1.5 इंच और ये साइड की आगे की तरफ से ये हमारी प्लेट हो गई। विशी को ऐसे दबाना, ये आसानी से प्लेट आपकी हो जाए। अभी निशान दिख रहे ऐसे ऐसे, ये हो गया हमारा ब्लाउज की कटिंग। अभी मैं आपको सिलाई बताऊंगी। अभी ब्लाउज कटिंग किया था, अभी देखो मैंने बोला था ना जॉइंट आएगा बीच में पीछे की तरफ, इसमें मैं कैसे डिजाइन डालूंगी, अभी आपको डिजाइन डालना बताऊंगी इसमें कैसे डिजाइन डालना है और इसको जॉइंट को छुपाना है। देखो ये मैंने आगे क्रॉस पट्टी लगाई है ना, आगे वाला हिस्सा मेरा तैयार होगा तो इसमें ये पिंक कलर का है ना कढ़ाई का, इसी में मैचिंग करती हुई मैं ये पट्टी का पीछे डिजाइन डालूंगी, इसी में मैचिंग करती हुई। अभी ये पट्टी मैंने काटी है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच इसकी लंबाई के हिसाब से, ये देखो 2.5 इंच ऐसे में
गोल पट्टियाँ काटो, नहीं 2 इंच, इसको ऐसे कटिंग करो ऐसे। अभी आपको बताती हूँ कैसे डिजाइन। ये मैंने नीचे एक पट्टी बनाई है, इसमें भी जॉइंट है कपड़ा की कमी की वजह से। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से और ऐसे करेंगे, ऐसे तिकोना बनाएंगे इसको, और इस पट्टी के ऊपर ऐसे लगाएंगे इसको। यहाँ से मेरी पाइपिंग लग जाएगी गला की, ये गला की तरफ से है, और ये यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे इसको। ऐसे अभी सिलाई लगाएंगे, ऐसे फोल्ड किया और ऐसे तिकोना बनाया इसको, और फिर इसको ऊपर ऐसे लगाए, ऐसे दोनों तरफ से, इस तरफ से भी ऐसे लगाऊंगी और ये ऐसे भी है। इस तरफ से भी ऐसे डालूँ, इससे सामने सामने 4 पट्टी इसमें भी लगेंगी दूसरे हिस्से में। देख ये मैंने डिजाइन डाल दिए, इसमें आप मोती भी लगा सकते हो और या सिलाई से ऐसे भी सिलाई लगा दें इनकी, तो ये ऐसे उठेंगे नहीं। दोनों चुंच ऐसे दबा इसके ऊपर एक एक मोती ऐसे डाल दें, मैं बाद में करूँगी, अभी तो मैं आपको ये बताती हूँ कैसे जॉइंट होगा। अभी ये बना लिया डिजाइन, अभी ये मेरे पीछा का भाग है, इसमें इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से रखेंगे इसको, ऐसे सिलाई लगाएंगे। अभी देखो जॉइंट हो गया, इसको भी फिर ऐसे ऐसे जॉइंट। अब इस पर या सिलाई लगाओ या ऐसे इसको दबा दबा के हाथ से लगे। अब इसका डिजाइन भी चुका है और कम कपड़ा में ब्लाउज भी बन गया। ये देखो ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया, बचे हुए कपड़ा में कितना अच्छा सा कितना सुंदर ब्लाउज बन गया। आगे मैंने ये कढ़ाई की पट्टी डाल दिया और ये बाजू पर फ्रिल डाल दी और बैक साइड में मैंने ये इसमें ये डिजाइन डाल दी, इसका जोड़ भी छुप गया और डिजाइन भी लग गया, कितना सुंदर सा ब्लाउज बन गया इतना कम कपड़ा में। और ये मोती लगा दिया मैंने इसमें ऐसे, तो कितना अच्छा लग रहा है देखो। ये देखो अगर आपको ये पसंद आओ तो आप ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।